नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नामी बदमाश के ऐशगाह को पुलिस ने किया ध्वस्त। अपराधी ने 8 सालों से रख रखा था अवैध कब्जा। पुलिस प्रशासन और नपा की टीम ने हटाया अतिक्रमण। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां एक नामी बदमाश द्वारा पिछले 8 वर्षों से 2 लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपने ऐशगाह का निर्माण किया गया था। उक्त बदमाश इसी स्थान से अपने काले कारोबार का संचालन कर रहा था। शनिवार को छतरपुर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बदमाश के ऐशगाह को ध्वस्त कराकर अवैध कब्जा को हटाने की कार्रवाई की। छतरपुर SDM अखिल राठौर ने बताया कि छतरपुर निवासी शातिर अपराधी जाकिर उर्फ जफ्फू खान ने नजरबाग में कोट के हनुमान मंदिर के पास स्थित ईश्वरी प्रसाद चौरसिया और यूसुफ खान के प्लाट पर वर्ष 2016 से कब्जा कर रखा था। फरियादी ईश्वरी प्रसाद चौरसिया और यूसुफ खान की शिकायत को संज्ञान में लेकर कलेक्टर संदीप जी और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाकर इसे कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे, जिसके पालन में शनिवार को पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जाकिर खान द्वारा निर्मित कराए गए भवन को ध्वस्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि अपराधी जाकिर खान के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित है। जाकिर उर्फ जफ्फू खान द्वारा उसी स्थान से अपने काले कारोबार का संचालन किया जा रहा था। दिन रात आपराधिक तत्वों का चहलकदमी के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान थे। उन्होंने उक्त कार्रवाई के बाद रात की सांस ली है। कार्रवाई के दौरान शहर के सभी थाना प्रभारी, भारी पुलिस बल और प्रशासन अमला मौजूद रहा। सागर संभाग डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट।